नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। हम आपको बताएंगे कि इस पहाड़ी में एक ब्रह्मचारी पिछले 10 साल से तपस्या कर रहे हैं। इस ब्रह्मचारी की सबसे खास बात यह है कि वो तपस्या करने के साथ साथ ही युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रशिक्षित भी करते हैं। पिछले 10 सालों में अब तक सैकड़ों युवा भारतीय सेना में शामिल हो चुके हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको आगे बताएंगे कि इस पहाड़ी में किस तरह ब्रह्मचारी महाराज द्वारा ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ हम आपको उन बच्चों से भी मिलाएंगे जो ट्रेनिंग कैंप में रोज़ाना ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, और हम आपको उन परिवार वालों से भी मिलाएंगे जिनके बच्चे आज भारतीय सेना में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा हूं इस पहाड़ी की। अब हम पहुंच चुके हैं उस ट्रेनिंग कैंप पे जहां पर युवाओं को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं उन युवाओं की। आप देख सकते हैं कि ये युवा किस तरह तैयारी कर रहे हैं। ये रोज़ाना यहां आते हैं ट्रेनिंग कैंप में, लगभग एक घंटे एक्सरसाइज करते हैं। इनको बताया जाता है कि भारतीय सेना में कैसे फिजिकल टेस्ट किया जाता है। आपका नाम क्या है? आशीष शर्मा। कब से आ रहे हैं आप यहाँ कैंप में? आज हमारा पहला दिन है। पहला दिन है आज? आपको कौन बताया इस कैंप के बारे में? ये हमारे भाई लोग काफ़ी हुए हैं, दो भाई हैं हमारे आर्मी में जो सिलेक्शन हो गया उनका आज 5 साल से। अच्छा, आपके दो भाई ऐसे हैं जो यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद आर्मी में शामिल हो चुके हैं? जी। आपको क्या खास बात लगी इस ट्रेनिंग कैंप के बारे में? ट्रेनिंग के बारे में, यहाँ लड़के बहुत आते हैं, मतलब दौड़ते हैं, यही सब होता है। अच्छा, तो मतलब जब तक आप भारतीय सेना में नहीं चले जाएंगे तब तक आप मतलब निरंतर प्रयास करते रहेंगे? जी हाँ। चलिए, धन्यवाद। कब से आ रहे हैं आप इस ट्रेनिंग कैंप? 4 साल से। क्यों आप 4 साल से आ रहे हैं, अभी तक आप भारतीय सेना में शामिल नहीं हो पाए? मेडिकल में फेल हो जाते हैं। अच्छा, मेडिकल में फेल हो जाते हैं। तो क्या मेडिकल के बारे में नहीं बताया जाता क्या इस कैंप में? बताया जाता है लेकिन वो नहीं हो पाता वहाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि आप लोगों को यहाँ फिजिकल की ट्रेनिंग दी जाती है कि और टेस्ट के बारे में भी बताया जाता है, मेडिकल के बारे में भी बताया जाता है, किस किस बारे में बताया जाता है? सब बारे में बताया जाता है, फिर उसके फिजिकल के बारे में भी बताया जाता है, मेडिकल के बारे में भी बताया जाता है। जी। अच्छा, अब हम आपको भारतीय सेना के उन जवानों से मिलाएंगे जो इसी ट्रैक से फिजिकल ट्रेनिंग लेने के बाद आज भारतीय सेना में शामिल हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा राकेश जी, आप ये बताइए कि आपने इस ट्रेनिंग कैंप में लगभग कितने साल या कितने महीने तक ट्रेनिंग ली? मैं करीब 9 महीने तक यहाँ रहा। अच्छा। हाँ, 9 महीने बाद फिर भर्ती निकली, तो 9 महीने के बाद में भर्ती देखने गया, वहाँ हो गया, यहाँ दौड़ता रहा, फिजिकल ट्रेनिंग करता रहा, और फिर वहाँ जाकर दौड़ा, ग्राउंड में दौड़ा, पास हो गया। अच्छा, आप जब यहाँ आए तो क्या पहली भर्ती में ही आपका सिलेक्शन हो गया कि आपको 2-3 भर्तियों से गुजरना पड़ा? नहीं, मेरे को एक और भर्ती देखनी पड़ी थी, पर उसमें मेरा मेरा फिजिकल सही नहीं होने के कारण मैं नहीं हो पाया था, फिर दूसरी भर्ती में मैं हुआ था। अच्छा, लगभग कितने साल हो गए आपको भारतीय सेना में? मेरे को हो गया 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। आपको कितने साल हो गए भारतीय सेना में शामिल हुए? 1 साल हुए। 1 साल हुए। आप इस ट्रेनिंग कैंप में कितने साल तक या कितने महीने तक आपने? मैं यहाँ 2 साल तक ट्रेनिंग किया। अच्छा, आपने 2 साल तक? 2 साल तक, तो आप पहली भर्ती में? नहीं नहीं नहीं, 5-6 भर्ती मेरे को देखना पड़ा, मेरे मेडिकल में थोड़ा वो था इसलिए मेरे को भर्ती ज़्यादा देखनी पड़ी। अच्छा, जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे तो क्या किसी तरह का शुल्क भी आप लोगों से लिया जा रहा था? नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो ये थे भारतीय सेना के वो जवान जो मौजूदा समय में भारतीय सेना में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।
इन दिनों ये छुट्टियों में आए हुए हैं और ये जब छुट्टी में आते हैं तो यहाँ ऐसे ही युवाओं को टिप्स देते हैं कि आपको हौसला नहीं हारना है, आपको यदि भारतीय सेना में जाना है तो आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। अब हम पहुंच चुके हैं गिरमाइन माता मंदिर परिसर में और हम आपको सीधे गिरमाइन माता जी की तस्वीर दिखाएंगे, जिनके नाम से ये पहाड़ी जानी जाती है, जिनके नाम से ये पूरा कैंपस जाना जाता है। ये है गिरमाइन माता की तस्वीर, काफ़ी प्राचीन मूर्ति है। अभी तक किसी को ये पता नहीं है कि ये मूर्ति यहाँ पर किसने स्थापित की है। लोगों में बड़ी आस्था है इस मूर्ति के प्रति। आप देख सकते हैं ये सूरत महाराज हैं जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, यही हैं सूरत महाराज जो मीडिया के कैमरे में आने से साफ इनकार कर दिए। इन्होंने कहा कि मुझे कोई कवरेज नहीं करानी है, कोई बातचीत नहीं करनी है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। बावजूद इसके हमने पूरी कोशिश की कि हम आपको सूरत महाराज की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं ये किस तरह शॉट मार रहे हैं, यही हैं सूरत महाराज, बिल्कुल ट्रैक सूट पे नज़र आते हैं, बिल्कुल स्पोर्ट पर्सनालिटी है इनकी। ये बच्चों को ट्रेन करने के बाद अपने परिसर में ही वॉलीबॉल खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ये हैं सूरत महाराज, यही है एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पहली बार कैमरे में कैद हुई है सूरत महाराज की तस्वीर। हम आपको एमपी वॉच में दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें सूरत महाराज की, जिन्होंने अब तक 300 युवाओं को भारतीय सेना में शामिल करा चुके हैं। आप देख सकते हैं अब हम पहुंच चुके हैं सूरत महाराज के पूर्व आश्रम के घर सिमरिया, जहां हम आपको मिलाएंगे उनके पूर्व आश्रम के माता पिता और परिवारजनों से। तो चलिए आते हैं उनके परिवारजनों से करते हैं बातचीत। अच्छा, आप ये बताइए कि सूरत महाराज को घर त्यागे हुए कितने वर्ष हो गए? लगभग 15 साल हो गए, और 15 साल से घर छोड़ दिए हैं। ये पहले गए हैं अमरकंटक, अमरकंटक के बाद फिर आए धारकुंडी, और धारकुंडी के बाद करीब 10 साल से गिरमाइन आश्रम में रह रहे हैं। इन्होंने शादी नहीं की, इनका बचपन से स्वभाव कैसा था शादी विवाह को लेकर? इनका बचपन से ही 16-17 साल की उम्र से ही ये घर शादी के समय कभी नहीं रहा करते थे, हमेशा घर से बाहर चले जाते कहीं कहीं। अच्छा, जब भी किसी की शादी होती थी घर में या आस पास? वो घर से निकल जाती थी, घर रहना पसंद नहीं करती कि शादी टाइम में रहे, रीजा के टाइम में रहे, ये नहीं करते थे। अच्छा, आप ये बताइए कि वो पहाड़ में रह रहे हैं 10 सालों से, आप लोग किसी तरह की उनकी आर्थिक मदद करते हैं? नहीं, घर से कोई मदद नहीं लेते वो, बल्कि बिगड़ जाते हैं। ये कहते कि भाई हमको घर से कोई ज़रूरत नहीं है, घर क्या मतलब हमसे है, अगर ले जाऊँ को नाराज़ हो घर क्यों गए। तो ये जब घर के सदस्य वहाँ जाते हैं तो उनका व्यवहार कैसा होता है, क्या वो वही भाई भतीजा या कैसा होता है? बैठा के चटाई बिछवा दे, सबसे बात करी घर के हाल चाल, या के वो कैसा ना कौन स्थिति चल रहा, बाकी कौर भाई भतीज नहीं माना उनको हुकर। अच्छा, तो वो मतलब क्या कहते हैं कि अब मेरा कोई भाई भतीजा नहीं, कोई माता पिता नहीं? छोड़ दिए, अब हम तो संत हो गए, हमसे कोई मतलब नहीं है यस गृहस्थी से। आप लोगों ने क्या कोशिश नहीं की जब पहले वो घर का त्याग नहीं किए थे कि उनके विवाह करने के लिए कि विवाह कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऋषि मुनि तो ये कार्य विवाह करने के बाद भी किया जा सकता था, आपने प्रयास नहीं किया? विवाह करे के तो दाऊ खूब मन करी, कहाँ शेर के कैले ही हमका नहीं करे का कागज लिखा के तबड़ा ली के जिंदगी में का जना कर कब आऊँ। तो ये थे सूरत महाराज के माता पिता, जिन्होंने बताया कि सूरत महाराज बचपन से ही उनका स्वभाव ब्रह्मचर्य का था शादी विवाह को लेकर। अपनी शादी तो दूर की बात है, घर में भी जब कभी शादी विवाह होती थी या आसपास शादी विवाह होती थी तो वो घर छोड़कर भाग जाते थे। अब हम पहुंच चुके हैं उन भारतीय सैनिकों के परिवारजनों के बीच जो सूरत महाराज के कैंप से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आज भारतीय सेना में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि उनकी घरेलू स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है।
बहुत गंभीर थी मेरी स्थिति। पहले तो ठीक ही थी, उनके पिताजी बीमार थे, मतलब दवाई में मैंने 4 लाख रुपए लगाए मांग मांग के पूरे हार से, फिर भी ठीक नहीं हो, ख़त्म हो गए। फिर भी बच्चे इधर उधर कुछ काम करते थे, कुछ सिलाई करते थे, बड़ा वाला छोटा वाला एलआईसी का काम करता था, 1500 रुपये पाता था, 1500 रुपये में आंगनवाड़ी में तो मैं भी पाती थी, इसी तरह खर्च चल रहा था, हो गया। अच्छा, तो मतलब सूरत महाराज के कैंप में जाकर उन्होंने प्रैक्टिस किया। अच्छा, मतलब आपकी लाइफ में सूरत महाराज जी के क्या मायने? बहुत मायने हैं उनको, उनके तो मैं कभी उड़ी नहीं हो सकती, इतना उनका योगदान हमको मिला। उन्होंने मतलब हमारे साथ बहुत बड़ा, मतलब बहुत योगदान अपना दिया। 2 साल हो गए हैं बेटे को आर्मी में नौकरी करते हुए, अब घर की स्थिति कैसी हो गए? अभी तो उसी तरह है, अभी तो मैंने अभी कोई मतलब संभली नहीं, पर धीरे धीरे हो सकता है। अभी तो मैंने 4-5 लाख रुपए उनके दवाई के लिए लेते, अभी वो भी नहीं पट पाया। आपके बेटे का नाम? विजय कुमार नामदेव। वो भी आर्मी में है? जी। अच्छा, वो आर्मी में कैसे हुए? ये पिताजी की बहुत समस्या थी, परेशानी थी, सिलाई करते थे, छोटी मोटी दुकान दासन धर के सिलाई करते थे, बच्चे किसी तरह से पढ़े लिखे, बहुत परेशानी हम लोग झेल लिया। हम लोग को टूटी मोटी मड़ैया में पानी गिरता था, बच्चे के लेकर अंदर रहे आते थे, एक टाइम खाना। कितने सालों तक, कितने महीने तक आपके बेटे ने वहाँ पे सूरत महाराज के कैंप में ट्रेनिंग ली? 2 साल। 2 साल, 2 साल के बाद वो आर्मी में सिलेक्ट हुए, है ना? जी। अच्छा, अब कैसी स्थिति है आपकी घरेलू स्थिति? घरेलू स्थिति होगा धीरे धीरे, पहले से सुधर रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी आप हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।